हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, ये गांव की वीडियो है। मैं गांव में थी, मैं आ गई थी 28 जून को, और ये है 27 जून की वीडियो। तो आज हम बताते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कि पहाड़ी स्टाइल में आटे के बिस्किट कैसे बनाते हैं। इसको गढ़वाले में बोले तो रोटाने इसको बोलते हैं, रोटाने कहो या इसको आटे के बिस्किट कहो। तो इसके लिए मैंने एक सूखा हुआ नारियल कद्दूकस कर लिया है और यहाँ पे आटा छान के रख लिया है। और इसमें अब थोड़ा सा मिलाएंगे रिफाइंड, ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, थोड़ा सा मिलाएंगे ताकि रोटाने हमारे खसके बने, क्रंची बने। लेकिन जितने अच्छे तरीके से बनाना चाह रही थी ना, बहुत ही टेस्टी हुई थी, गुड़ वाले बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें 3-4 घंटे पहले गुड़ को थोड़ा सा पानी में भिगो के रख दिया था। तो अब इसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाल लेते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद फिर इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे सौंफ, और जो मैंने सूखा हुआ नारियल कद्दूकस करके रखा है वो भी डाल देंगे। और आप चाहो तो आटा पानी की बजाय दूध से भी गूंद सकते हैं। तो यहाँ पे सौंफ डाला है और थोड़ा सा सोडा भी डाला है, थोड़ा सा डालना है सोडा। तो लाइट चली गई थी फिर, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आप इग्नोर कीजिएगा वीडियो, क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा है, अंधेरा सा हो गया था। तो उसके बाद वीडियो आगे जारी है। आप लोग जो पहाड़ों से हैं उन्हें पता है कि किस तरीके से बनाते हैं। वैसे सबके अलग अलग तरीके होते हैं, तो लेकिन वैसे नॉर्मली देव जो है इसी तरीके से बनाते हैं। और इसमें सब कुछ मिक्स, सौंफ हुआ, सोडा हुआ, नारियल हुआ, ये सब मिलाने के बाद इसमें डालते हैं जो गुड़ को भिगो के रखा था, उसी के पानी से थोड़ा थोड़ा करके अब आटा गूंदेंगे। और ये वाला आटा थोड़ा ना टाइट होता है गूंदने के लिए, थोड़ा नहीं बहुत टाइम लगता है इसे, बहुत टाइट होता है गूंदने के लिए। तो ये देखिए सौंफ थोड़ा सा कम लग रही थी मुझे, तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। और थोड़ा सा इसमें आटा भी और डाल रही है मम्मी, क्योंकि उनको लग रहा था कि थोड़ा सा ही होंगे, कम ही है। तो मैंने तो पहली बार बनाया है, इससे पहले कभी नहीं बनाया है, तो इस बार बना रही हूँ। तो लग भी रहे थे कहीं गड़बड़ी ना करो मैं, कहीं मतलब ना आए बनाने। तो इस सारा नारियल का बुरादा मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसको धीरे धीरे गूंथते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है गूंथने में, तो आप लोग आगे बने रहिएगा वीडियो में। और जितना इसमें टाइम लगता है खाने में, इतने मतलब अच्छे होते हैं गुड़ के बने होते हैं, बहुत गर्म होते हैं। तो इसको पहले सूखे आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और अब थोड़ा थोड़ा गुड़ के पानी से, पानी थोड़ा सा ही रखना है सिर्फ गुड़ को भिगाने के लिए, इसको धीरे धीरे करके गूंद लेते हैं। और बना रहे थे हम चूल्हे में, तो मैंने सोचा जब लकड़ियां हैं तो गैस क्यों ख़त्म करनी है, चूल्हे में बना लेते हैं। और बहुत ज़्यादा धुआं लग रहा था, इवनिंग टाइम को हम बना रहे थे। तो ये देखिए इतना टाइट हो रहा था ना गुड़ के पानी की वजह से, टाइट हो जाता है आटा, और इसको मतलब ज़्यादा टाइट ही गूंदना पड़ता है, ज़्यादा इसको गीला नहीं करना पड़ता है। लेकिन बहुत टाइम लगता है इसको गूंथने में सच में, ये तो आटा कम ही है, इतना ज़्यादा भी नहीं है। अगर ज़्यादा बनाने हैं ना ये रोटाने तो, और ज़्यादा आटा है तो बहुत टाइम लगता है गूंथने में, जितना हम गूंथेंगे उतना टाइट लगता है। तो यहाँ पे बनाने शुरू हो गए थे, मैं इसको यहाँ पे बना रही थी और मम्मी इसको तल रही थी तेल में, और वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था, प्राप्ति गई थी मंदिर, तो उसने वहाँ से आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो शूट की, क्योंकि मैंने मोबाइल फिर हाथ में लिया ही नहीं, हाथों में तेल लगा हुआ था, कोई था भी नहीं वहाँ पर। तो जब आधा बन गई थी उसके बाद वो आई मंदिर से, फिर उसके बाद उसने, मैंने सोचा कि थोड़ा इसको वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो इसका ये जो शेप होता है ना रोटानम, ये इसी तरह से बनाते हैं। और आजकल तो मार्केट में अलग अलग डिज़ाइन के भी आ रहे हैं, जैसे गुजिया मेकर होते हैं ना वैसे ही इसके भी अलग अलग डिज़ाइन के आ रहे हैं मार्केट में, लेकिन ये तो बहुत पुराना है, बहुत पता नहीं कब का है। तो इस पे यही वाला डिज़ाइन है और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, एक तरफ से फ्लावर बना हुआ, ये देखिए। और इसी तरह से